न्यूज 18 इंडिया पर काला चिट्ठा कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवाद पर। किस तरीके से पिछले कुछ सालों से ये भली भांति उन्हें मालूम है कि उनके देश की धरती पर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बिसातें बिछाई जा रही हैं और पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों को अशांत किया जा रहा है। बावजूद इसके इस देश के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत की अखंडता और जो स्थिरता है उसको जो डिस्टर्ब कर रही है ताकतें, उन पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दो तरीके की ताकतें हैं, एक खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी जिसमें अर्श डल्ला, हरदीप सिंह निज्जर जो कि मारा गया था वो शामिल था, इसके अलावा करीब एक दर्जन ऐसे आतंकी हैं, इसके अलावा गैंगस्टर्स भी करीब 8 से 10 गैंगस्टर्स हैं जो कनाडा में सक्रिय हैं। भली भांति लगातार भारत सरकार इनको सूचित करती रही है कनाडा सरकार को कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कनाडा सरकार की ओर से उसी की सरजमी पर जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल बात शुरू होती है 2018 से जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आते हैं। उस वक्त भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को यह कहा कि आपके देश में ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, खालिस्तानी गतिविधियों को, अलगाववादी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को, गैंगस्टर की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आते हैं वो सुनते हैं लेकिन चले जाते हैं। अब 18 से 23 के बीच में 5 साल बीत जाते हैं लेकिन इन 5 सालों के बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री वही रहते हैं, लेकिन भारत की चिंताएं घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती हैं। खालिस्तानी अलगाववाद आतंक से आगे बढ़कर गैंगस्टर और आतंकियों का गठजोड़ उत्पन्न हो जाता है। आईएसआई की शह पर, कनाडा की सरजमी पर भारत के हितों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक हमले होते हैं और इसमें एक त्रिकोण था वो पूरा काम कर रहा था। ये त्रिकोण था मारा गया आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, उसका वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसके वीडियो लगातार सामने आते रहते हैं, और इसके अलावा अर्श डल्ला जो कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। इन तीनों ने पिछले 4 सालों में ऐसा गठजोड़ बनाया है कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में ऐसी जो गैंगस्टर्स के धमकाने की, हत्याकांड की, ड्रग्स के रैकेट की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती गई और सीधा सीधा भारतीय एजेंसियों के पास यह सबूत है। और सिर्फ कनाडा सरकार ही नहीं, चाहे वो ब्रिटेन की सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो, यूएसए की सरकार हो, सबको भारत की सरकार ने अपने जो हित हैं उनको सूचित किया कि हमारे हितों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरीके की बातें ब्रिटेन को भी बताई गई हैं, इसी तरीके की बातें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को भी बताई गई हैं, लेकिन कनाडा सबसे प्रमुख गढ़ है क्योंकि वहां पर ही उसी की सरजमी को समझा जाता है कि खालिस्तान अलगाववाद आतंकवाद को किस तरीके से पनपाया जाए। तो ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री, आज उन्होंने भारतीय राजनीति को एक्सपेल करने का बयान संसद में दिया है, लेकिन क्या उनको पता है कि वह खुद 4 सालों में किसी दूसरे देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है? एक बयान तक जस्टिन ट्रूडो का सामने नहीं आया है। और भारत सरकार न केवल कनाडा सरकार को बल्कि वैश्विक मंच पर इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये सबूत रखे हैं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, चाहे निज्जर हो, चाहे अर्श डल्ला हो, बकायदा एक डोजियर जारी किया है, सिलसिलेवार तरीके से मामले दर्ज किए हैं और इसके अलावा सबूत पेश किए हैं कि कनाडा में ये गतिविधियां हो रही हैं। ट्रूडो की आंखें बंद रही, वह आंख मूंदे रहे और उनको लगा कि बस अब ये तो गतिविधियां हो रही हैं, होने दीजिए। तो जब खुद एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की चिंताओं के प्रति अपनी आंख मूंदे रहता है 1 साल 2 साल नहीं 4 साल तक, और उसके बाद संसद में या अपनी संसद में यह बयान देता है कि भारतीय राजनीति को बाहर भेजा जा रहा है और भारत की भूमिका का हाथ बताता है उस शख्स के हत्याकांड के पीछे जो भारत की ओर से घोषित खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, और इसके तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रूडो की मंशा क्या है, क्या किस असंवेदनशील तरीके से वह भारतीय हितों को समझते हैं। और इतना ही नहीं, निज्जर हत्याकांड के बाद किस तरीके से 3 महीने में इस हत्याकांड के बाद की आड़ में खालिस्तानी अलगाववादी जो सेंटिमेंट्स हैं इनको कैसे उभारा जा रहा है। 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन हो चुके हैं,
और सब ज्यादातर कनाडा में हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारत के हितों के प्रति न केवल आंख मूंद के बैठा है किसी देश का प्रधानमंत्री, बल्कि उनके हितों के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उनको लगातार वह प्रधानमंत्री ट्रूडो समर्थन कर रहे हैं।